दोस्तों, एक द वायर में न्यूज छपी थी जिसका टाइटल था इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर हैज अ न्यू डेडलाइन, शुड वी ट्रस्ट इट। तो हुआ कुछ यूं है कि एक ब्रीडर रिएक्टर कमीशन हुआ था 2003 में, और इसको पूरा करने का जो टाइम दिया गया था, जो एस्टिमेटेड था, 2010 में इसको कंप्लीट होना था। और अभी तक यानी कि 10 साल का डिले हो चुका है और ये रिएक्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो 7 साल में होना था वो 17 साल में भी नहीं हो पाया है, और जो खर्चा जो शुरू में एस्टिमेट था उसका करीब 1.5 गुना खर्चा है, यानी कि कुछ लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का खर्चा एस्टिमेट था, और अभी ये खर्चा लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। इस तरह की बातों पे आपने देखा होगा कि कहीं मीडिया वगैरह में भी कोई डिस्कशन नहीं मिलता, ये काफी एक तरीके से अनअटेंडेड रह जाती है। जबकि देखा जाए तो भारत जैसे जो जिसमें काफी युवा हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस तरह की न्यूज के ज्यादा मायने हैं। जो फजूल की न्यूज आती है कि तैमूर आज क्या कर रहा था, उसकी जगह इस तरह की बातें आती तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी फैलती। तो ऐसे में ये जो वायर की न्यूज आई है इसके बारे में वहीं के एक एम्प्लॉय से, जो वहां पे उन्होंने अपने जीवन के प्राइम इयर्स के करीब 12 साल 13 साल वहां पे उन्होंने सर्विस की, और ये जो मुद्दा जो दवायर उठा रहा है कि क्या हमें ये जो नई डेडलाइन ये दे रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नई नई डेडलाइन देते रहते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे वहां भी ये भी उठाते रहे हैं, और हुआ ये कि इनके जो मुद्दे थे, जो सजेशन थे, ये जो कह रहे थे उस पर तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो ये जो वायर के साथ साथ इनके इनका जो विक्टिमाइजेशन जिस तरीके से हुआ, जिस तरह से इनको जॉब से निकाला गया, तो इस तरह की हमारे पास काफी बात करने के लिए इनसे, लेकिन आज का जो मुद्दा है हम उसको सीमित रखेंगे कि जो वायर में आर्टिकल आया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि क्या हमें हमें ट्रस्ट करना चाहिए। इन्होंने जो नई डेडलाइन दी है, दिसंबर 2021 नई डेडलाइन इन्होंने दी हुई है, तो इस मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे कि ये पूरा जो है, ये जो ब्रीडर रिएक्टर है, कहते हैं कि अपनी तरह का एक अनूठा पहला रिएक्टर भारत बनाने जा रहा है, तो एग्जैक्टली ये रिएक्टर क्या है। और ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर जो पावर की बात आती है तो ये सेकेंड स्टेज माना जाना चाहिए इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज क्या है, इन्हीं बातों पे हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो कुमार जी, पहले आप जो है अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दें और ये बताएं कि ये जो वायर में जो छपा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये जो और भी जो इन्होंने जो बातें उठाई हैं एक्यूरेसी है, या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे, संक्षिप्त में बताइए। लगभग मान लीजिए कि आपके पास 15 मिनट है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाए तब भी लोग जो है बोर हो जाते हैं, तो लगभग 15 मिनट में बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय देने के बाद ये बताइए कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, और ये जो 13 साल ये जो आप रहे हैं उसमें लगभग क्या क्या चीज हुआ वहां पे, और ये अगर सक्सेसफुली होता है तो भारत के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा ये। नमस्ते सर, शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मेरा नाम पुवार धैर्यपाल सिंह है। बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम गुजरात गोधरा, जो एक तरफ से कुख्यात है। गोधरा का नाम तो सुना ही होगा आपने, और गोधरा में ही मैं पला बड़ा, और वहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है गुजरात की। वहाँ से बी मैकेनिकल में अभ्यास करके एमई क्रायोजेनिक पढ़ाई किया, और बीच में ही डिजर्टेशन के दौरान यहाँ जॉब मिल गया था मुझे 2005 दिसंबर में। वहाँ से लेके मैं लगभग 11 साल और 10 महीना और कुछ दिन तक यहाँ सर्विस किया, और 2017 एंड में नवंबर में मुझे डिसमिस किया गया। तो ये पूरा जो सफ़र है उसमें मैंने कई सारे इश्यू उठाए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्टर है, जो आपने जो बोला सही बोला कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो ये सेकंड स्टेज क्या है और फर्स्ट स्टेज कुछ अलग है क्या? तो बिल्कुल अलग है। हमारे देश में अभी जितने भी रिएक्टर है आप जो देख रहे हैं वो सब हैवी वाटर पे काम करते हैं, या तो बॉइलिंग वाटर या तो लाइट वाटर। वो वाटर बेस्ड रिएक्टर है, उसमें मॉडरेटर होता है और नेचुरल यूरेनियम का यूज होता है, समझिए सर। तो यूरेनियम जो हमको मिलता है नेचुरली, उसमें आइसोटोप 3 है, 234, 235 और 238। सो यूरेनियम 235 जो है उसका परसेंटेज है वो खाली 0.72 है, मतलब 1% से भी कम है, और उसी के ऊपर अभी जितने रिएक्टर चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं। मतलब आप समझिएगा, यूरेनियम जो लोड करते हैं, मान लें एनरिचमेंट करे तो भी,
तो 3-4% जितना यूज कर पाते हैं 100 में से, बाकी का अनयूज रह जाता है या उसे डिप्लीटेड यूरिन हम कहते हैं, तो उसे फिर से रिप्रोसेस करके अगर हम सेकंड स्टेज में यूज करें तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से निकाल सकते हैं, बिकॉज ये फास्ट ब्रीडर है तो ये ब्रीड भी करता है, जैसे उसका नाम है, ये ब्रीड भी करता है फिजाइल मटेरियल को, इसमें न्यूट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है, मॉडरेटर है नहीं, ये सोडियम बेस्ड रिएक्टर है, इसमें कूलेंट सोडियम एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए जो हमारे विजनरी थे होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने ही बोला था कि भाई इंडिया में 3 स्टेज रहेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड स्टेज की ये शुरुआत है और पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के नाम से जाना जाता है। तो जो आपने बोला कि कमीशनिंग पर कंपनी की स्थापना हुई थी 2003 अक्टूबर में, उनको 7 साल का टाइम दिया गया था और पैसे का जो बजट था इनिशियली 3492 करोड़ था, जो बाद में रिवाइज होके 5677 करोड़ हुआ और डेडलाइन 4 साल डिले हुआ, पर उसके बाद भी ये लोग बार बार लगातार ऐसी कई सारी डेट कमिट कर चुके हैं। द वायर ने कुछ डेट मेंशन किया है और उसके अलावा कई सारी डेट मेंशन किए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में बार बार, और इवन रिसेंटली मान लीजिए अभी जो सेक्रेटरी, उनके पहले जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर शेखर बासु, उन्होंने तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में वियना में अपने रिटायरमेंट के जस्ट एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम 2019 में क्रिटिकल कर रहे हैं। वायर ने भी मेंशन किया कि बार बार डेडलाइन दे रहे हैं, जबकि अंदर का एक मेरे जैसा छोटा लेवल का आदमी भी कह सकता है कि भाई ये नहीं बनेगा कुछ सालों तक अगले। और आपको ताजुब होगा कि जब मैंने 2015 में जून में लेटर लिखा था बोर्ड डायरेक्टर को, उस समय चेयरमैन अलग थे, और क्लियरली लिखा था कि सर अगले 3 साल तक तो कभी बन नहीं सकता है, नेवर एवर पॉसिबल 2018 एंड तक, अगर दिन रात लोग काम करेंगे अपना समझकर कि देश का काम है कुछ करना है, तब शायद हो 18 एंड तक, जबकि लोग टॉल क्लेम कर रहे थे कि 2015 एंड में कर देंगे, 16 में तो कर ही देंगे, फिर बोले 17 में कर देंगे, तो एक भी चीज अचीव नहीं हुआ। 17 के बाद वो लोग बोले कि 19 में करेंगे, 2019 में करेंगे, वो भी नहीं हुआ, अब कह रहे 21 में करेंगे, ये भी नहीं होने वाला है, डेम श्योर नहीं होने वाला है ये भी, क्योंकि अभी भी कई सारे सेटबैक हैं। तो ये जो आर्टिकल है काफी मेहनत करके लिखा गया है और उन्होंने भी जिनको रेफर किया है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, कोई छोटे मोटे लेवल के लोग नहीं है, मेरे से ज्यादा सीनियर लोग है, काले सर का नाम लिया है, बलदेवरा सर का नाम लिया है, तो ये बड़े सीनियर लोग हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में काम किए हैं, और उन्होंने एक फेयर क्रिटिसिज्म किया है मेरे ख्याल से आर्टिकल में, एक छोटी मोटी का दो मिस्टेक हुई है, जैसे कि इन्होंने लिखा कि PFBR अंडर कंस्ट्रक्शन एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये थोड़ा गलत है शायद, उनको पता नहीं, क्योंकि मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो फर्स्ट स्टेज का रिएक्टर देश में चलाता है, अभी जितने भी रिएक्टर देश में है कमर्शियल ग्रेड के, वो वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो NPCIL पूरी कंपनी ही अलग से वो डील करती है, और ये सेकंड स्टेज के लिए अलग कंपनी का गठन किया गया था जिसका नाम है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका मैं एम्प्लॉय था, भाविनी शॉर्ट में उसका नाम है। बेसिकली NPCIL का हिंदी करेंगे ट्रांसलेशन तो ये होता है भाविनी, तो उसी को ये अलग, जिसे बोलते हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्ट में बना गया था कंपनी के, फास्ट ट्रैक में बनाना है। एक्चुअली सर 1970 से इस पे काम हो रहा है देश में कल्पकम में, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है, आज उसको 50 साल हो गए नियरली, और 50 साल से उसमें रिसर्च कर रहा है, इसका एक ही टारगेट है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका शुरुआत था एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च में, ऐसे ही IGCAR जो था जिसका शुरुआत नाम था रिएक्टर रिसर्च सेंटर, बाद में IGCAR हुआ, तो उसका गठन इसलिए किया गया कि आप सेकंड स्टेज का रिएक्टर उसमें रिसर्च करें, पहले उन्होंने अलग डिजाइन दिया, फिर डिजाइन चेंज हुआ, फिर PFBR का डिजाइन फिक्स हुआ, नई कंपनी बनी, उनको एक टारगेट दिया गया जो अचीव नहीं हुआ है। इसमें कई सारी टेक्निकल खामी है, आप CAG का रिपोर्ट देखेंगे 2015 का, जिसका जिक्र भी किया गया है वायर में, तो उसमें ये भी लिखा था कि टेंडर के जो मोड है उसमें वायोलेशन हुआ, प्रोक्योरमेंट की जो खुद की पॉलिसी उसको ये लोग स्टिपुलेट नहीं किए, तो उसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेट भी हुआ है और प्रोजेक्ट डिले भी हुआ है, और डिले का भी बहुत ज्यादा दिया है, आप देखेंगे उसमें ब्यौरा की कितने ज्यादा दिन का हर एक में डिले हुआ है, और इट इज रेंजिंग अप टू 3 years ऑल्सो इन सम केसेस, और सब कुछ आउटसोर्स किया गया था NPCIL के थ्रू, मेजर जो था पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भले किए बट मनी वाइज इट वॉज डेल्ट बाई NPCIL। तो इस तरह कई सारी चीजें थी जिसके साथ समझौता किया गया था, और देश में फर्स्ट ऑफ इस काइंड है, ये बात सही है, पर
इसका मतलब ये भी नहीं है उसी को एक ढाल बना लें और बाकी सब चीजों को दबा दें, अंडर द कारपेट पुश कर दें कि यहाँ जो गैर रीतियां हुई उसको भी फर्स्ट ऑफिस का इनका चोला पहनाकर दबाया जा रहा है। जैसे कि मैंने तो आवाज उठाया था, बाद में बात करेंगे, फिर भी मान लीजिए कुछ लोगों का इलीगल परमिशन कैंसिल हुआ, पैसे का रिकवरी हुआ अलग अलग कारणों से, TDA का मैटर था जापान का जो इंटरनेशनल TDA कहलाता है, इलीगल मनी जो अलॉट किया गया था प्रमोशन में वो रिकवरी भी हो गया, तो DOPT की गाइडलाइन है कि भाई जब ऐसा इलीगलिटी होता है तो उसमें इंक्वायरी होना चाहिए, क्रिमिनल केस फाइल होने चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, पर जो कंप्लेन था उसके खिलाफ गलत चार्जशीट फाइल की गई। और ऐसे जो अलग उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, 8 चार्ज लगाए थे, तो बेसिकली दे वॉन्टेड टू सेट एन एग्जाम्पल के भाई जो आवाज उठाएगा उसको विक्टिमाइज किया जाएगा। और जो इतना डिले हुआ वहां पे उसके लिए किसी को कभी रिस्पांसिबल ठहराया गया जो है उसके बारे में नोबडी इज सीरियस। जब मैंने 15 में लिखा था 18 तक कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं सर। पर जो पाया गया है वो ये भी था कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो है नॉट, बट टेक्निकल खामी भी है एग्जीक्यूशन में, और उसके अलावा किसी एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कई सारे लोगों का योगदान चाहिए, देश के लिए ये गौरव की भी बात है। पर जिस तरह से जैसे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि लिमिटेड एक्सपीरियंस जो था, लिमिटेड एक्सपोजर था, ऐसे लोगों का चयन किया गया, सिलेक्शन किया गया पर्टिकुलरली टॉप पोस्ट में, तो उन्हीं की वजह से जैसे यथा राजा तथा प्रजा उस टाइप का समझ सकते हैं। तो वही है कि डिले तो हुआ है और अभी एक के बाद एक नई डेडलाइन जो दे रहे वो भी इससे नाई बॉस, ऐसा मैं बोलूंगा। तो सेकंड स्टेज जो सर इसका टैगलाइन है एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, ऐसा टैगलाइन क्यों दिया गया था, क्योंकि देखिए देश में हो सकता है कि हम जो अभी जो जितने भी सोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के वो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस्ड है, तो देर इज लिमिटेशन फॉर दैट। बट यूरेनियम जो है न्यूक्लियर, उसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, तो उसका यूज करके जो एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकते हैं उससे जो हमको फायदा होगा वो इनॉर्मस होगा। जैसे हमारे जहांगीर बाबा साहब ने बोला था कि नो पावर इज कॉस्टलियर देन नो पावर, बिजली नहीं होगी वो दुर्दशा हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर मान लीजिए नहीं होगा तो जैसे कि पास्ट में आप देखेंगे कि चेर्नोबिल में हुआ था कुछ लैप्सिस रशिया में 1986 में, तो 1986 में चेर्नोबिल में लैप्स हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना प्रोग्राम स्टॉप किया या डायवर्ट किया या कोई और बहाना किया। रशिया उसके बावजूद फास्ट विद रिएक्टर चला रहा है, दो, एक नहीं दो, BN-600 बनाया, BN-800 भी बनाया, और वो जैसे कि 2015 में ही किया उसको क्रिटिकल, जस्ट कुछ साल पहले, और अभी वो लोग BN-1200-1250 बना रहा, मतलब और भी स्केल बढ़ा रहा है अपना फास्ट विद रिएक्टर का। तो जो हमारे जैसी कंट्री है डेवलपिंग कंट्री, उनको तो ये एनर्जी जो है, अभी ऐसा नहीं कि हर देश में 24 घंटा बिजली मिल रही, तो हमको अल्टरनेट सोर्स फाइंड करना बहुत जरूरी है, जैसे सोलार हो गया, विंड हो गया, पर दिस इज ऑल्सो इक्वली क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है, तो कई सारे फायदे भी है इसके, रेडियोएक्टिव वेस्ट भी है बट बेनिफिट भी है, तो उसको डील कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए। पर जब इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाएंगे या लोग खाली विक्टिमाइज करने लग जाएंगे कि भाई ये बोल रहा है उसको निकाल दो, और ऐसे ऐसे लोगों को लाओ को जो बात में हमें हाँ करें, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं अब, तो इवन दो एवरीथिंग वी कैन नॉट प्रूव बट फिर भी अपरेंट है वो चीजें कि क्यों नहीं बन रहा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हाईलाइट की गई है और ठीक भी है उसमें जो लिखा है। तो एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि वहां पे जो इतना डिले हुआ है या पैसे का जो बाद में एस्टिमेट बढ़ा दिया गया, इतना जो खर्चा बढ़ गया है, इन सब चीजों के लिए क्या कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है, कोई कोई भी ऑफिशियल आपकी जानकारी में? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। CAG ने भी अपने रिपोर्ट में नाम नहीं लिया है कि सो एंड सो, क्योंकि ये तो सब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहता है, खाली उसका आउटलाइन देते है कि क्या क्या हुआ, बट पिन पॉइंट नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि यही गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी रही है कि वो लोग पिन पॉइंट नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस का जहां मैटर रहता है वहां वांट दैट वी शुड गो सॉफ्ट, और वो जो भी टेंडेंसी रही गवर्नमेंट की पॉलिसी रही, पर ठीक है, पर वो लोग पिन पॉइंट नहीं किया एग्जैक्टली नाम दे के किसी को, बट दे हैव क्लियरली मेंशन दैट लैप्सिस तो हुए हैं,
टेंडर वायोलेशन हुए हैं, जैसे टेंडर का मोड होता है लिमिटेड टेंडर, वहां सिंगल टेंडर दिया गया कई जगह, ये सब तो टेंडर का जो मैटर है तो पूरा उसमें लिखा गया है कि हम सैंपल लिया इतना टेंडर का, उसमें ये एनालिसिस किया तो ये पाया गया, तो दैट दे मेंशन द रिपोर्ट बट विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो वो एक चीज है सर। और ये रिपोर्ट में नाम है बार बार जिक्र किया गया काले सर, तो वो भी आए थे कुछ साल पहले भी, कंसल्टेंट भी थे और उन्होंने भी काम किया है, तो उन्होंने जो किया एक फेयर क्रिटिसिज्म है, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और इवन जितने भी लैप्सेस मैंने भी जो बताए थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थे, टेक्निकल साइड थे, तो उन पे भी डाक पिछोड़े हो रहे, और भी कई सारी चीजें हैं, सेफ्टी गेट डीके हीट रिमूवल सिस्टम है जो एक अल्टीमेट सेफ्टी सिस्टम है, उसमें भी कुछ लैप्स हुए थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। रिएक्टर कंटेनमेंट बिल्डिंग जो है उसमें भी जो लीक रेट था वो ओरिजिनल डिजाइन के हिसाब से तो मीट नहीं हुआ था, बाद में कुछ रिलैक्स किया गया था, तो उसके पीछे क्या होता है कि देखिए डिजाइन पर एग्जीक्यूशन में जो लोग रहते हो ज्यादा कुछ तो लीड नहीं किए, तो इसीलिए ये सब हो रहा है, नहीं तो ये सब नहीं होता। जो लैप्सिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो लोग है, बट नोबडी वांट्स टू ओपन माउथ, नोबडी वांट्स टू पिन पॉइंट देम, क्योंकि मान लीजिए एक का विक्टिमाइजेशन हुआ, बाकी लोग बोले उनको भी नौकरी से जाएगा, हाथ धोना पड़ेगा, तो लोग डरे हुए भी है, तो कोई बोलना नहीं चाहता खुल के कि भाई हम एक नहीं की नौकरी गई। अब रोजी रोटी का सवाल है तो लोग उसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टेंडेंसी ऐसी हो गई अभी कल को हमको भी निकाल देंगे, हम क्यों बोले, हम क्यों सपोर्ट में खड़े रहे। तो ये भी एक है कि लोग जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं कि विक्टिमाइज करो आदमी को, निकाल दो उसको, स्टैंप लगा को भाई ये डिसग्रंटल है, या सो एंड सो मैटर था, प्रमोशन था, जो भी था, कुछ भी झूठ बोल के। बट आप बाद में चर्चा करेंगे चार्ज के ऊपर भी, तो आप देखेंगे कि एक भी चार्ज इंक्वायरी में प्रूव नहीं हुआ था, बल्कि वाहियात है ऐसा मैंने फिर से इंक्वायरी में प्रूव किया, फिर भी मतलब जैसे जिसको सुनना ही नहीं है, जो डिसाइड करके बैठे डिसीजन पहले से कि भाई हमको एग्जाम्पल सेट करना है कि ताकि फ्यूचर में कोई आवाज ना उठाए, तो वो लोग तो वही करेंगे जो प्री डिटरमिन माइंड सेटअप है, प्रिजुडाइज्ड। और आगे भी मैंने तो 15 में ही पीएमओ में लेटर वो फॉरवर्ड किया था, जो बोर्ड डायरेक्टर को लिखा था मैंने जून में, उसमें लिखा था कि 18 में अगर आप जो रिसोर्सिस है देश के उसका इफेक्ट यूटिलाइज नहीं हुआ तो 18 तो क्या 20 में भी नहीं बनेगा, तो 20 आ गया मैं सच साबित हो गया। उतना ही नहीं, मैंने आगे उसी समय लग के रखा कि अगर सही आदमी नहीं रहा और आगे बातें नहीं बढ़ी तो हो सकता है कि इट विल बी डिलेड बाय अननोन पीरियड, समझिए, क्योंकि ये क्या है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें सोडियम मेटल भी बहुत डेंजरस है, हाउ टू डील विथ इट, हमने काम किया उसके ऊपर, फ्रांस जाके उस पर ट्रेनिंग भी लिया था 2009 में 8 में, और आने के बाद इधर उसके ऊपर काम भी किया, हजारों टन सोडियम, 1.7 टन सोडियम जो था, 1700 टन सोडियम कंटेनर में आता था, पिघल के स्टोरेज टैंक में रखा, तो हैंडलिंग एक्सपीरियंस भी है लोगों को, मेरे को भी है, बाकी लोगों को भी है, तो पीपल आर विलिंग टू वर्क, बट जो ऊपर से गाइडलाइन होती है उसमें दब भी जाते कभी कभी, मैनेजमेंट में कोई आदमी आएगा बोलेगा कि भाई ऐसा करो तो ना प्लान दे देगा, लोग लग जाएंगे कि भाई हम क्यों बोले, वाई टू अपोज, जो बोलता करते जाओ, सैलरी मिल रही है पर नया आइडिया मत दो या अपोज मत करो, नहीं तो क्या होता कि फिर दे टेक इज ऑन ईगो। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, भाविनी में IGCAR जो डिजाइनर है वहां से भी कुछ लोग डेप्यूट किए गए, NPCIL जो है जो फर्स्ट स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम देश में चलाता है वहां से भी लोगों को डेप्यूट किया गया, तो वो सीनियर लोग थे, बट दे डोंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन खास भी टेक्नोलॉजी NPCIL वालों को, और इन लोगों को प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो काले साहब ने मेंशन किया वो सही है, और उसके अलावा जैसे चेर्नोबिल के बाद नई डॉक्यूमेंट्री बनी थी लास्ट ईयर, HBO ने बनाया था, उसमें बहुत अच्छा एक दो सेंटेंस मुझे लगे, उसमें यही बोला था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लाइस, झूठ की कीमत क्या होती है, एंड समबडी शुड स्पीक अप द ट्रूथ। तो मेरे साथ तो लोग खड़े थे उस समय, बाद में साम दम दंड भेद जैसे इस देश की नीति है, लोगों को अलग किया गया अलग अलग नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे, तो वो पूरा लंबा मैटर है, पर वो भी एक चीज है कि पीपल आर ब्रेकिंग अप, लोग सत्य के लिए खड़े नहीं है, सत्य की बातें हो रही है, गांधी जी ने बोला था अंदर वाली बात कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, पर आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई 5 ही चीजें हैं,
ये तीन तो है कि बुरा मत की जगह सच्चा मत सुनो, सच्चा मत बोलो, सच्चा मत फॉरवर्ड करो, सच्चा मत लिखो। ये दो चीज ऐड हो गई है कि भाई आप सोशल मीडिया में सच्चा लिख भी नहीं सकते, और कोई लिखता है तो पढ़ के चुपचाप लोग रहते हैं, फॉरवर्ड भी नहीं करते। तो सच्चाई बोलने की आजादी नहीं है, सच्चाई सुनने की भी नहीं है, देखने की भी नहीं है, और अब लिखने की और करने भी शायद खत्म हो रही है। लोग उसमें भी डर रहे हैं बोलने से, बातें बड़ी बड़ी होगी जिसमें रियलिटी अलग है। और वही है जो चेर्नोबिल से भी सीख लेना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी फास्ट रिएक्टर में झंडे गाड़ दिए, बट देन वाई इंडिया इज लैगिंग, जबकि हमको तो फ्रांस के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस समय। आप देखेंगे उन्होंने लिखा कि फ्रांस पीपल हैव ऑथेंटिकेटेड अवर डिजाइन, इनिशियल डिजाइन जो था, और भी लोगों की मदद ली गई, फ्रांस इज द लीडर इन फास्ट बेरियर टेक्नोलॉजी। और एक काफी अच्छा सर देश के लिए, अगर बनेंगे रिएक्टर तो ऊर्जा का जो कमी है नहीं महसूस होगा हमारे को। तो थर्ड स्टेज में जाने से पहले कि हमारे पास थोरियम रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है थर्ड स्टेज के रिएक्टर के लिए, तो वहां जाने के लिए सेकेंड स्टेज के थ्रू पास होंगे तो वी कैन यूज द डिप्लीटेड यूरेनियम ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो बहुत बड़ा गेन है ये, क्योंकि वी डोंट हैव यूरेनियम 235 इन अबंडेंस, हमको दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो आप देख ही रहे डील साइन होती है तो उसमें कई सारी चीजें इंटरनल के, प्लूटोनियम जो आता जनरेट वो क्या होगा उसका, तो आगे यहाँ यूज होगा, फिर ये और ब्रीड करेगा यूरेनियम 238 में से, यहाँ जो प्लूटोनियम यूरेनियम ऑक्साइड मिक्सर है तो ब्रीड करेगा, इसलिए उसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब डिटेल में तो चर्चा जैसे आप बोला टाइम की कमी तो नहीं कर पाएंगे, पर इट इज रियली मार्वेलस थिंग एंड पीपल शुड बी सीरियस फॉर द कॉज ऑफ नेशन, नॉट फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल एजेंडास, ये सब को सेट असाइड करके देश के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ, भले मेरे खिलाफ कार्रवाई की है सच बोलने के लिए, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ होना चाहिए, देश के हित के लिए होना चाहिए कार्रवाई और काम दोनों। बड़ी बड़ी बात है कि आपके साथ इतना होने के बावजूद जो है फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो भावनाएं हैं वो देश के साथ और संस्थान के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, नहीं तो कई लोग तो बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाते हैं। तो आज का हम ये सेशन यहाँ खत्म करेंगे, और अगले जो मेरा प्लान है मैं आपको प्रपोज करता हूँ वो अच्छा रहेगा काफी। एक एक जो सो कॉल नोटिस में जो एक एक जो चार्जेस लगे हैं आपके ऊपर, मैंने वो चार्जेस चूंकि पढ़े हुए हैं वो काफी आई ओपनर है, किस तरह से किसी को सताया जा सकता है ये उसका एग्जाम्पल है। इनफैक्ट जिन्होंने जो ऐसे चार्ज लगाए हैं मेरे हिसाब से वो एक क्रिमिनल एक्ट में, इवन पहला जो चार्ज है इसमें कोर्ट में जाने की बात कहते हैं और इसके लिए आपको सो कॉल में वो चार्ज लगाते हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हम क्या करेंगे कि आने वाले समय में एक एक चार्ज के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और पूरे देश के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इसी के साथ जो है इसको हम यहाँ खत्म करते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट सर, धन्यवाद सर।